अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बैंगन, वो भी मेरे स्टाइल में। आप घर में बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन का सालन बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 5 मैंने बैंगन लिए जिनकी मैंने लंबाई में कटिंग कर ली है। प्याज लिए मैंने 2 बड़े साइज के, उनकी भी मैंने नॉर्मल साइज में कटिंग कर ली है। टमाटर लिए मैंने 4 स्मॉल, उनकी भी मैंने कटिंग कर ली है। दही लिया मैंने 4 टेबल स्पून। धनिया लिए, नमक लिए मैंने हस्बे ज़रूरत 1 टी स्पून। मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। मैंने रेड चिल्ली ली है 1 टीस्पून। मैंने हल्दी ली है 1 टीस्पून। मैंने गरम मसाला लिया है। हरी मिर्च ली है मैंने, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। ऑयल लिया मैंने 1 कप। एक मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैंने बैंगन को फ्राई करना है। ऑयल गरम होने का हम वेट करते हैं, फिर हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। लंच टाइम है, एक तरफ मैंने चावल बॉयल होने के लिए पानी रख दिया है। बैंगन सालन के साथ चावल अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें बैंगन फ्राई करूंगी। मैं बैंगनों को 3 से 4 मिनट से फ्राई करूंगी ताकि जो बैंगन का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। बैंगनों का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं बैंगनों को मज़ीद 2 से 3 मिनट और फ्राई करूंगी। बहुत प्यारा कलर आ चुका है। अब मैं इनको बाउल में निकाल लूंगी। उसी ऑयल में मैं प्याज ऐड कर दूंगी। और प्याज को फ्राई कर दूंगी। जब तक हम लोग के प्याज ब्राउन होते हैं तब तक मैं साथ सैलेड बना लेती हूँ। लंच टाइम में सैलेड बहुत अच्छा लगता है। मैं सैलेड मिक्सअप बनाऊंगी। इसमें मैं खीरे, प्याज, टमाटर और ग्रीन चिली ऐड करूंगी। मैंने आपको बताया था कि मैं साथ चावल भी बॉयल कर रही हूँ। चावलों का जो पानी है उसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। प्याज हम लोग के फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, रेड चिली, धनिया पाउडर, हल्दी। अब मैं इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चावल हम लोग के साथ साथ बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको बास्केट में निकाल लूंगी। हल्का सा मैंने कांटे की मदद से दही को मिक्स कर लिया है। अब मैं दही इसमें ऐड कर दूंगी। तो मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें जो मैंने बैंगन फ्राई किए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लूंगी।
अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और हल्की आंच पे इनको पकाऊंगी तकरीबन 5 मिनट। साथ मैंने रायता भी रेडी कर लिया था। मैं सबसे पहले मैंने हरी चटनी रेडी की। हरी चटनी में मैंने ग्रीन चिली, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, नमक ऐड करके उसको पीस लिया और फिर दही में ऐड कर दिया। जी तो हम लोग का साथ साथ रायता भी रेडी हो चुका है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं बैंगन को चेक करती हूँ। जी तो हम लोग के बैंगन रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी। हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं चावल लूंगी जो मैंने बॉईल किए थे। ऊपर से मैंने हल्का सा प्रेस कर लिया है। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। अब मैं साइड पे जो मैंने बैंगनों का सालन तैयार किया वो रखूंगी। अब मैं इसके ऊपर हल्की सी ग्रीन चिली रखूंगी। अब मैं इसके ऊपर चावलों के ऊपर हल्का सा हरा धनिया रखूंगी। सैलेड में मैंने नमक, काली मिर्च और नींबू डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं सैलेड इधर रखूंगी। अब मैं ये दरमियान में रायता ऐड कर दूंगी। जी तो हम लोग के मज़ेदार बैंगन, बॉयल चावल, सैलेड और रायता रेडी। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। टेस्ट के लिए मैं अलग से लूँगी, मैं ये वाली डेकोरेशन ख़राब नहीं करूँगी, मेरा दिल नहीं कर रहा। बहुत ही मज़े के बने। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।